नमस्कार, प्रभास अक्षय न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए कमर कस चुकी बीजेपी पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले बीजेपी अपनी अंदरूनी कलह को समाप्त करने पर ध्यान दे। वहीं बीजेपी में इस अंदरूनी झगड़े की वजह बनकर उभरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा है कि देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है, सपा का पीडीए धोखा है। उन्होंने कहा, प्रदेश में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी, फिर एक बार डबल इंजन सरकार। वहीं अखिलेश यादव के बयान की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, आगामी उपचुनाव में हमें लोकसभा से भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। बीजेपी में अंदरूनी कलह की ओर इशारा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, सत्ता की लड़ाई में जनता का नुकसान हो रहा है। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है, ये फैसला हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हो उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। पांच कलिदास में मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले जो केशव महोदय है वो दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। आप लोग समाजवादी पार्टी और आपकी तरफ से भी एक ऑफिशियल ट्वीट हुआ है इस मामले पे। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। ये कमजोर पड़ गए हैं, ये कमजोर पड़ गए हैं। एक दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं, दो केवल ये फैसला टला है। क्यों प्लान बता दें, तुम बीजेपी के आदमी हो? नहीं, ये पहले प्लान बताया नहीं, अब क्यों बता दें तुम्हें? अगर आपको प्लान बता देंगे तो ये लाइव हो जाएगा प्लान हमारा। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही है कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि एक्सपायर हो गई? आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई
और उसने आत्मदाह कर दिया और थाने में पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर, और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि दलाली हो रही है तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं। जिस विभाग के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं वो विभाग तो सबसे करीब है उनके। अब सदस्य आप नहीं तो आपको बना देता। नहीं, मेरी तो इच्छा है कि आप ही बन जाओ तो आप पक्ष अच्छा रखोगे हमारा, क्योंकि अंदर की भी बात आप जान रहे होगे। बाढ़ के अलावा देखिए, इसीलिए मैंने कहा ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई कह रहा है कि इतने गांव हैं बाढ़ की चपेट में, 1400 गांव, कोई अखबार लिख रहा है 900 गांव हैं बाढ़ की चपेट में। सच्चाई कम से कम ये सरकार बताए कि आखिरकार कितने गांव हैं चपेट में, क्या उनकी मदद हो रही है। कल सरकार कह देगी कि बाढ़ आई नहीं क्योंकि बाढ़ का पानी निकल जाएगा, जब जरूरत थी तो सरकार कहां थी। और जब मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में बाढ़ हो, पूरा गोरखपुर में पानी भरा था, अब दो दिन में बाहर निकल गया, तो जब मदद की जरूरत थी तब सरकार कहां थी। आप कहो तो सब दे दें क्योंकि सरकार तो बननी नहीं है। अच्छा, कोई सरकार बननी है बताओ, अगर आपकी इच्छा हो तो हम पूरी दे देंगे। जाइए ये आपका असर तो हुआ होगा, लेकिन असली असर हुआ है जो सरकार कमजोर हुई एक, और सरकार घबरा गई कहीं ये जो संघर्ष है कहीं बढ़ ना जाए। समाजवादी लोग लगातार संपर्क में थे, रविदास जी लगातार संपर्क में थे, पीछे बैठे हुए लोग सब दोनों संपर्क में थे, और आप तो हीरो निकले ही मुझे सुनने में आ रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि आज तक को पैकेज कितना मिलता है। तो इसलिए ये सरकार कमजोर हो गई, इसलिए फैसला टाल दिया। क्या जो पहले जिन लोगों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती घर। तो किससे फैसला लिया था घरों को हटाने का, कौन लोग थे, क्या मुख्यमंत्री खुद थे? तो अब तो मुख्यमंत्री कह देंगे हम नहीं थे, अधिकारी थे। सरकार खुद फैसला ले रही थी, और फिर उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे, जिस सरकार ने सबसे देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट खराब किया हो। जो गोमती रिवर फ्रंट है वो देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट होता, तो उनसे कोई उम्मीद करोगे? नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं। रिवर फ्रंट बनता है रिवर पर, नाले पर नहीं बनता है। आप मुझे ये बताओ उस नाले का पानी साफ करने का क्या इंतजाम है सरकार का? जो नाले में पानी आ रहा है डोमेस्टिक वेस्ट है या अन्य वेस्ट जो आ रहा है उसके अंदर, तो वेस्ट को कैसे रोकते ये लोग? क्या प्लान था इनका? इनके पास कोई प्लान नहीं था, केवल गरीबों को उजाड़ना चाहते थे ये लोग। और हो सकता है कि कुछ बिल्डरों से मिले रहे हों ये लोग, क्योंकि इधर सब बिल्डर उन्हीं की तरफ चले गए हैं। ठीक, उन्होंने ही कराया वही रंग मिटा रहे हैं। करा तो उन्होंने ही ना, सरकार का ही फैसला था ये, अधिकारी फैसला इतना बड़ा नहीं ले सकते हैं, ये सरकार का फैसला था ये। आप इस तरह बात को मत हटाइए, सरकार कमजोर पड़ गई इसलिए हो गया, उपचुनाव आ गया घबरा गए कि 10 ना हार जाएं, इसलिए फैसला टल गया। प्रेस को ज्यादा मिलेगा। यो प्रेस को कितना मिलता है? कितना बजट है प्रेस का रविदास जी, कितना है? हैं? इतना इतना सच मत बोलो हमारे।
अगर अगर ये सही है, इस अखबार को बीच बीच में कम मिला है। ये अपना सच बता रहे हैं। नहीं, अब बजट पे जब आएगा तब बोलेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। सर एक बात बताइए, नहीं हमारा देखिए ऐसा है, बजट पे तो केवल एक ही पक्ष है, बजट का केवल एक पक्ष है कि जब ये देश की सरकार ये कहती है कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत जल्दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत की हो जाएगी, उसमें उत्तर प्रदेश जो अपना सपना देख रहा था कि एक $1 trillion की इकोनॉमी होगी, तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या सहयोग किया और दिल्ली सरकार ने क्या मदद की है? पहली बात कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की $1 trillion इकोनॉमी कर देंगे, उसमें दिल्ली सरकार की क्या मदद थी, कितना सहयोग किया, और फिर जो ग्रोथ रेट चाहिए यूपी को वो 35% की चाहिए, तो उस 35% ग्रोथ रेट के लिए क्या मदद किया है दिल्ली सरकार ने, और फिर दिल्ली सरकार ये बताए कि पर कैपिटा इनकम क्या है लोगों की, अगर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है तो प्रति व्यक्ति आय क्या दुनिया के उन देशों के बराबर होगी या हुई है कि नहीं हुई है, बस, वरना ये सब आंकड़े हैं जनता को धोखा देने के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।